राजस्थान की सियासत में भाजपा नेता किरोड़ीलाल मीना के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उथल पुथल मची हुई है। वहीं इसी बीच उनके भाई जगमोहन मीना ने टिकट नहीं मिलने पर अपनी पार्टी पर तंज कसते हुए बयान दिया है, जिसके बाद सियासत का पारा और चढ़ गया है। जगमोहन मीना ने अपने टिकट की तुलना एक अंधी महिला के पति से की है, जो कभी मिला ही नहीं। ये पूरा मामला है विश्व आदि दिवस के मौके का, जब दौसा के नांगल राजा पतान में एक कार्यक्रम के दौरान जगमोहन मीना ने ये बात कही। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, मुझे 2009 से टिकट दिया जा रहा है, मेरे साथ वो उसूल किया जा रहा है जैसे अंधी महिला को बार बार कहा जाता है कि तेरा पति आ रहा है, क्योंकि अंधी महिला को दिखाई नहीं देता, इसलिए बच्चे उस अंधी महिला का बार बार मजाक उड़ाते हैं। ठीक यही हाल मेरे टिकट का है, मुझे जब टिकट मिलेगा तभी पता चलेगा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ या नहीं। जगमोहन मीना के इस बयान से भाजपा में हड़कंप मच गया है। गौरतलब है कि किरोड़ीलाल मीना अपने भाई जगमोहन मीना को टिकट दिलाने के लिए काफी समय से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इससे पहले किरोड़ीलाल मीना ने दौसा सीट से जगमोहन मीना को टिकट दिलाने की पूरी कोशिश की थी। हालांकि उस समय भाजपा ने पूर्व सांसद जसकौर मीना से अनबन के चलते कन्हैयालाल मीना को टिकट दे दिया था, लेकिन कन्हैयालाल मीना चुनाव हार गए। इसके बाद किरोड़ीलाल मीना ने इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद एक कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या किरोड़ीलाल मीना की नाराजगी की एक वजह उनके भाई जगमोहन मीना को टिकट नहीं मिलना भी है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद किरोड़ीलाल मीना ने अचानक अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस फैसले से सियासी गलियारों में खलबली मची हुई थी। हालांकि पार्टी ने उन्हें मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो अपने फैसले पर अड़े रहे। सियासी जानकारों का कहना है कि किरोड़ीलाल मीना लोकसभा चुनाव में अपने भाई को टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं, और उन्होंने ये बात पार्टी हाईकमान के सामने भी रखी। कहा जा रहा है पार्टी हाईकमान किरोड़ीलाल मीना की इस मांग पर गंभीरता से विचार कर रहा है।